मैथमेटिकली, ठीक है, यहां पर भी सिर्फ सिचुएशन रिप्रेजेंट करना है, ओके। जॉन एंड जानवी टुगेदर हैव ए 45 मार्बल्स, जॉन और जानवी के पास 45 मार्बल्स है, बोथ ऑफ देम लॉस 5 मार्बल ईच, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ इज 124। दोनों जो हैं 5 मार्बल खो देते हैं, ओके। उसके बाद भी उसके पास दोनों, जितने दोनों के पास मार्बल बचे हुए हैं उसका प्रोडक्ट 124 है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल दे हैड टू स्टार्ट विथ, हमें ये बताना है कि दोनों के पास शुरू में कितने मार्बल्स थे। तो क्वेश्चन समझ में आ गई, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं समझ में आएंगे आंसर कैसे समझ में आएगा, ठीक है। तो हमें क्या बताना है कि जॉन और जानवी के पास शुरू में मार्बल कितने थे। मान लेते हैं दोनों के पास मिला के 45 मार्बल है, जॉन और जानवी दोनों के पास, ठीक है। तो लेट्स टू बी, जॉन हैव एक्स मार्बल, ठीक है, एंड जानवी हैव 45 माइनस एक्स मार्बल। ऐसा हो सकता है कि दोनों के पास अगर 45 मार्बल है, ठीक है, जॉन और जानवी दोनों के पास 45 मार्बल है, तो जॉन के पास एक्स है, तो बचा हुआ जानवी के पास है, 45 में से एक्स माइनस कर दी, ये जानवी के पास है, ठीक है। तो बोथ जो है क्या कर रहे हैं, 5 मार्बल लॉस कर दे रहे हैं। तो बोल सकते हैं कि बोथ ऑफ देम लॉस 5 मार्बल्स, ओके। देन अब जॉन के पास कितने मार्बल बचेंगे, एक्स माइनस 5, एंड जानवी के पास कितना बचेगा, 45 माइनस एक्स पहले था, 5 और लॉस कर दिए, ओके। तो 40 माइनस एक्स ये अभी बचा है उसके पास। तो बोला क्या है कि एक क्वेश्चंस बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, तो प्रोडक्ट, अब जो बचा हुआ मार्बल है इसका प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, एक्स माइनस 5 और 40 माइनस एक्स, यही होगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो है 124, और इन दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं, क्या आया, 40x स्क्वायर माइनस 200 माइनस x स्क्वायर प्लस 5x, क्लियर है, ओके। तो हमारे पास क्या आया था, 40x, ओके। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे सबको एक ही डायरेक्शन में लेकर आएंगे, या तो इधर लेके आओ, तो ये आया एक्स स्क्वायर माइनस है तो इधर प्लस हो गया, ये 45x है तो ये माइनस 45x हो गया, ठीक है, 40 प्लस 5x 45x, ये इधर आके प्लस हो गया, तो 124 प्लस 200 यानी 324, 124 प्लस 200 इज इक्वल टू 324 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये कंडीशन आया, और इसको सॉल्व कर देंगे, जैसे ही सॉल्व करेंगे हमारा एच का वैल्यू आ जाएगा, ओके। तो चलिए सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 324 आना चाहिए, लेकिन प्लस माइनस करने पर 55 आना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे जब हम इसको फैक्टर कर रहे हैं, 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0, है ना, एच कॉमन लेंगे, यहां माइनस 9 कॉमन लिए,
तो ये बचा एक्स माइनस 36 इक्वल टू जीरो। तो एक्स माइनस 36 अगर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स माइनस 9 इक्वल टू जीरो। तो ये कंडीशन आ गया इनटू एक्स माइनस 9 इक्वल टू जीरो। और एक्स की वैल्यू देखेंगे तो क्या आया, एक्स इक्वल टू 36 या एक्स इक्वल टू 9, दो वैल्यू आया, एक्स इक्वल टू 6 आया, एक्स इक्वल टू 9 आया। अगर जॉन के पास 36 मार्बल है तो जानवी के पास 9 है, अगर जॉन के पास 9 मार्बल है तो जानवी के पास 36 है, तो आंसर तो यही हो गया। ओके, तो बोल सकते हैं जॉन हैव 36 मार्बल, ठीक है, देन जानवी हैव 9 मार्बल। ओके, दूसरी कंडीशन में अगर आप ये भी लिख सकते हैं कि इफ जॉन हैव 9 मार्बल एंड जानवी हैव 36 मार्बल। ओके, तो ऐसा बोल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टन नंबर ऑफ टॉय इन डे। ए कॉटेज इंडस्ट्रीज है, कुछ टॉय प्रोड्यूस करता है, ठीक है, दिन में, एक दिन में, लेकिन उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय है, ठीक है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है प्रत्येक टॉय का, ईच टॉय का, ऐसा पाया गया कि जितना प्रोड्यूस होता है वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन दे। तो कॉस्ट ऑफ टॉय क्या है, 55 में से माइनस कर देंगे जितना प्रोड्यूस हो रहा है। मान लो 10 प्रोड्यूस हो रहा है तो एक टॉय का कॉस्ट कितना है, 45 रुपीज। अगर 20 प्रोड्यूस हो रहा है तो एक टॉय का कॉस्ट क्या आया, 35 रुपीज। तो नंबर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो 55 में से माइनस कर दे रहे हैं, ठीक है, वही एक टॉय का कॉस्ट प्राइस आ रहा है, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ कि ऑन पार्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750, ठीक है। ऐसा एक दिन हुआ कि टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन जो है 750 लग गया। तो आपको बताना है कि उस दिन कितना टॉय प्रोड्यूस हुआ था। तो मान लेते हैं कि एच टॉय प्रोड्यूस हुआ था, ठीक है, लेट्स द नंबर, क्योंकि हमें पता नहीं है इसलिए हम मान लेते हैं, लेट्स द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे बी एक्स, ओके, देन कॉस्ट क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, एक टॉय का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, ऑफ ईच टॉय। तो ईच टॉय प्रोड्यूस हुआ तो 55 माइनस एक्स, ठीक है, ऑन डेट कितना हो गया, 55 माइनस एक्स, ओके, जैसा कि क्वेश्चन बोला। तो अगर देखा जाए, ऐसे लिख भी सकते हैं कि टोटल कॉस्ट कितना होगा, टोटल कॉस्ट, अगर टोटल कॉस्ट की बात करेंगे, एक टॉय की प्राइस जो है 55 माइनस एक्स है, ओके, और हमने कितना टॉय बनाया है, एच टॉय बनाया है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल कॉस्ट आ जाएगा। जबकि टोटल कॉस्ट आया है 750, प्रोडक्ट करो 55 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इसको इधर लेके आते हैं, 55 एक्स प्लस 750 इक्वल टू जीरो, इसको सॉल्व करते हैं,
ठीक है, हमें मल्टीप्लाई करने पर 750 आना चाहिए, लेकिन एज सेपरेट करने पे आना चाहिए 55। ठीक है, तो करते हैं एच स्क्वायर माइनस 30x माइनस 55 हो गया, मल्टीप्लाई करो 750 भी हो गया इक्वल टू जीरो। क्लियर है? तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं x, तो क्या आया h माइनस 30। ओके, और यहां से हमने कॉमन ले लिया माइनस 25, तो ये भी आ गया h माइनस 30 इक्वल टू जीरो, और h माइनस 30 हमने कॉमन लिया तो आया h माइनस 25 इक्वल टू जीरो। तो h माइनस 30 इक्वल टू जीरो, h इक्वल टू 30 और h माइनस 25 इक्वल टू जीरो, h इक्वल टू 25। तो x के दो वैल्यू आए, कितना आया 30 और 25। तो या तो उस दिन इतना प्रोड्यूस हुआ होगा, ठीक है 30, तो प्राइस हो जाएगा 25, समझ रहे? 30 प्रोड्यूस होगा तो प्राइस हो जाएगा 25, या 25 प्रोड्यूस हुआ होगा तो प्राइस हो जाएगा 30। ठीक है, तो हमें तो पूछा है कि ये दोनों आंसर हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन।